आज का जो टॉपिक है, कैसे बारिश के मौसम में हम हमारा कबूतर को पूरा फिट एंड फाइन रखेंगे, जैसे कुछ भी बीमारी नहीं आएगा। तो देखिए, आपको वीडियो में पूरा बारिश से, बारिश भी चल रहा है बहुत ज़ोर से बारिश, तो अगर ये से बारिश हो रहा है तो बारिश के टाइम में कैसे हम हमारे कबूतर को फिट रखेंगे, जैसे उनको कुछ भी बहुत ज़ोर से बारिश भी चल रही है। तो बारिश के टाइम में मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो शूट किया हूँ। तो भाई, आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो कमेंट कीजिए, दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए। तो भाई देखिए, बारिश के मौसम में हम हमारे कबूतर को कैसे बीमारी से पूरा दूर रखेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। तो काइंडली वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वीडियो के अंदर। तो आपका कबूतर भी सुस्त रहेगा, आपका कबूतर फिट रहेंगे, कुछ बीमारी नहीं रहेगा। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त विभूतिभूषण आचार्य, वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो भाई, आज का जो टॉपिक है, बारिश के मौसम में कैसे हम हमारा जो पिजन है उनको कैसे बीमारी से छुटकारा रखेंगे, बीमारी से दूर रखेंगे, जैसे लॉट में कुछ भी बीमारी नहीं आएगा तो उसको कैसे हम सेफ्टी मेजर रखेंगे, जैसे हमारा लॉट में अगर कुछ भी पट्ठा होता है, जो भी बड़े कबूतर है या ब्रीडिंग पिजन है, तो उनको कैसे बीमारी से हम ठीक रखेंगे, जैसे कुछ भी बीमारी हमारा लॉट में नहीं आएगा। तो उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली डिस्कशन करूँगा। आपके साथ बहुत दिन हो गया, तो मेरे एक भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि भाई, बारिश का अभी सीजन चालू हो गया है तो बहुत सारे बीमारी आता है, तो उसको कैसे हम ख़त्म करेंगे जैसे हमारा लॉट में कुछ भी बीमारी नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पहले, जिस भाई ने मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कुछ नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा तो आपको ईजी रहेगा, और हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं भाई टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है, बारिश के मौसम में कैसे हम हमारा पिजन को सुस्त रखेंगे, बीमारी से दूर रखेंगे। तो भाई देखिए, बारिश के मौसम में क्या क्या गलती हम करते हैं, तो इसी वजह से ये सब बीमारी होता है। तो पहले बेसिक जानना चाहिए। हर कोई तो आपको मेडिसिन बोल देता है, भाई ये मेडिसिन लगाओ, आपका कबूतर सुस्त हो जाएगा या कबूतर आपका बीमार नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो भाई, मेन गलती हम क्या करते हैं, तो बीमार क्यों होता है, अगर हम ये मालूम कर लेते हैं तो हमारा लॉट में बीमारी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए भाई, ज़्यादातर गलती हम लोग क्या करते हैं, बारिश के मौसम में अचानक बारिश होता है, कभी मौसम ख़राब होता है, उस टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, अगर जो लोग नया कबूतर पालते हैं, नया शौक स्टार्ट किए, तो गलती क्या होता है, तो भाई देखिए, पहला कारण क्या होता है, बारिश के मौसम में हम हमारा कबूतर को बाहर छोड़ देते हैं। वो लोग क्या होते हैं, कबूतर मस्ती में आते हैं, जब बारिश का पानी गिरता है तो वो क्या करते हैं, नहा जाते हैं, पानी में बात करते हैं। तो अगर उनके बॉडी में बारिश का बूंदा गिरता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, मेनली भाई उनको सर्दी, जुकाम और बुखार वगैरह हो जाता है। तो उसके कारण बहुत सारे बीमारी भी आ जाते हैं, आँख का बीमारी आते हैं, अभी नॉर्मल कबूतर का जो सांस का बीमारी चल रहा है, अभी कबूतर ग्रीन वाला पानी वाला बीट करते हैं, तो डायरिया वगैरह भी हो जाते हैं। तो मेनली आप एक चीज़ ध्यान रखिए, बारिश के टाइम जब कभी भी बारिश होता है तो आपके कबूतर को लॉक में ही छोड़िए, बाहर मत छोड़िए। अगर बारिश कम हो जाता है तब आप बाहर छोड़िए, कबूतर को दाना पानी कीजिए। बारिश के टाइम आप अगर उनको बाहर छोड़ेंगे तो वही बारिश में भीगेंगे, ज़्यादातर बीमारी वहीं से ही शुरू होता है। सेकेंड पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बारिश के मौसम में आप अपने छत को, और ये आपका लॉक हो, आपका पेटी हो, आपका जाली हो, उसको सही तरीके से साफ करना चाहिए। अगर आपके लॉक में गंदी वाला बीट, जो कबूतर हमारा बीट करते हैं, तो अगर वो नीचे में पड़ा हुआ होगा या उनका पेटी, उनका जाली, जहाँ पर भी बीट रहता है, अगर उसमें पानी वगैरह आता है या बारिश का पानी भी आता है, तो उसमें एक स्मेल आता है, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, तो कबूतर में बीमारी वहीं से ही शुरू होता है। तो मेन चीज़ ये है कि बारिश के टाइम में आप अपने छत को पूरा क्लियर कीजिए, पूरा साफ रखिए, आपका लॉक, आपका पेटी, आपका जो सेटअप है उसको सही तरीके से साफ कीजिए और सैनिटाइज कीजिए। मार्केट में बहुत सारे चीज़ मिलता है लॉक को, जैसे वायरस इन्फेक्शन नहीं रहेगा साफ करने के लिए, वो भी आप फिलहाल कीजिए। अगर आप लोग को मालूम नहीं है लॉक को कैसे साफ करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया हो जाता है, उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए, अभी मार्केट में वेटनरी में अवेलेबल हो गया कि अगर लॉट में कुछ भी बीमारी हो जाता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण पूरा लॉट में स्प्रेड हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्प्रे मिलता है, अभी अवेलेबल भी है। अगर आप लोग को चाहिए, आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, या मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगा कौन सा दवाई डालने से लॉट में बीमारी नहीं रहेगा, अगर कुछ भी बीमारी आ जाता है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे बीमारी वायरल इन्फेक्शन हुआ है लॉट में तो कैसे हमको ख़त्म करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ सेकेंड पार्ट में डिस्कशन कर लूँगा।
तो सेकंड पॉइंट है, तो हमारा लॉफ्ट हो, छत हो, उसको सही तरीके से साफ़ करना चाहिए। मेनली ये दो पॉइंट हो गया। तो थर्ड पॉइंट है भाई, छत में जो बारिश का पानी रहता है वो एक स्पेस में जमा होके रहता है, तो उसमें ज़्यादातर कबूतर बीड़ वगैरह मारते हैं, उसमें गंदी वगैरह सब चीज़ वही पानी में मिक्स होता है। छत के ऊपर जितने भी डस्ट वगैरह है वही पानी में मिक्स होता है। तो कबूतर को जब कभी भी पानी नहीं मिलता है, अगर वो मस्ती में जाता है या बात करने के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है, वही गंदे पानी में वो पानी पी लेता है। उसमें क्या होता है, उसका पोर जाम होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहीं से ही शुरू होता है। तो मेन रीज़न वही है, अगर छत के ऊपर कहाँ पर आपका पानी वगैरह जमा होता है उसको साफ़ कीजिए हमेशा, रेगुलर हर दिन साफ़ कीजिए। जब कभी भी बारिश होता है कबूतर को बाहर मत छोड़िए, जैसे कबूतर बारिश में पानी में नहा जाएगा तो बीमार वहीं से शुरू होता है। ये हो गया तीन पॉइंट। बाकी फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए भाई, ज़्यादातर अभी बारिश के मौसम में सर्दी वगैरह कबूतर को लग जाते हैं। आप अगर आपके लॉफ्ट छत के ऊपर है, बाकी बहुत भाइयों का अगर लॉफ्ट नहीं है, वैसे छत के ऊपर बहुत लोग पेटी वगैरह रखे हैं। भाई शौक तो सबके लिए बड़ा होता है, किसी के पास पैसा है तो भाई बड़ा सेटअप बनाता है, जाली बनाता है, घर बनाता है। अगर कोई नया शुरू किया है, तो जो भाई मेरा नए शौक कर रहे हैं, तो उनके पास अगर पहले इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उन लोग भी सर्व करना है, तो कैसे उनको बीमारी से छुटकारा पाना है। तो भाई देखिए, आप अगर छत के ऊपर पेटी वगैरह जाली सेटअप बनाए तो उसको कवर करके रखिए, जैसे बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। तो भाई मेन रीज़न क्या है, अगर बारिश का पानी अंदर जाता है तो वही पानी बीट के ऊपर मिक्स होता है। अगर पानी और बीट दोनों मिक्स हो गया तो क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के कारण हर कबूतर को आपको बीमारी शुरू होता है। तो मेन रीज़न क्या होता है, इसमें क्या क्या बीमारी होते हैं, आँख का बीमारी होता है, कबूतर को सर्दी होता है, कबूतर पानी वाला बीट करते हैं, ग्रीन बीट करते हैं, तो बताने के लिए तो बहुत सारे डिजीज इसके कारण ही होता है। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपके कबूतर में ये सारा बीमारी नहीं आएगा। तो ये हो गया मेन चीज़, ठीक है। और बारिश के मौसम में और एक गलती बहुत लोग करते हैं, तो देखिए अचानक बारिश होता है, हर दिन रेगुलर बारिश होता है, तो आपका एक शेड्यूल रहता है कि भाई मैं 4 बजे कबूतर को दाना खिलाता हूँ, तो वहीं 4 बजे क्या हुआ, बारिश शुरू हो गया बहुत ज़ोर से। तो आप लोग क्या करते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कबूतर को खोलते हो दाना खिलाने के लिए। तो देखिए आप लोग का एक फंडामेंटल थिंकिंग रहता है कि भाई मेरा कबूतर भूखा है तो मैं उनको लेट में खोलूँगा, दाना पानी डाल दूंगा, वो खा लेंगे, भूखा रहता है। तो आपका एक शेड्यूल रहता है कि भाई मैं 4 बजे कबूतर को दाना पानी करता हूँ, तो 4 बजे आपका बारिश हो गया, तो आप एक कैंप का आप क्या करते हैं, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे कबूतर को खोल देते हैं, ठीक है। तो कबूतर भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो वो क्या करते हैं, आप दाना डाल देते हो तो कबूतर फटाफट दाना खा लेता है। तो बहुत लोग का थिंकिंग रहता है कबूतर भूखा है तो उसको ज़्यादा दाना डाल देते हैं, कम टाइम में वो खा लेगा। तो ये गलती क्या होता है, देखिए जब कभी भी बारिश होता है तो क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है, तो मौसम चेंज होने के कारण कबूतर भी भूखा रहता है और आपका टाइमिंग भी चेंज हो गया, तो कबूतर क्या होता है, दाना ज़्यादा खा लेता है, पानी सही से नहीं पीता है। पानी क्यों नहीं पीता है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी ठंडा हो जाता है और उसको पानी की ज़रूरत इतना नहीं होता है। तो आप गलती क्या करते हैं, दाना बहुत ज़्यादा डालते हो, पानी कम पीता है, तो उसमें क्या होता है, उसका दाना हजम नहीं होता है, पोर जाम होता है, कबूतर फिर उल्टी करता है। तो अगर आपको रेगुलर बारिश होता है, हर दिन बारिश हुआ तो आपके टाइमिंग जब 4 बजे खोलते हो तो रेगुलर बारिश होता है, तो दाना कम डालिए। कबूतर भाई 1-2 दिन अगर खाएगा भी नहीं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इतना दाना डालते हो तो इतना थोड़ा सा दाना डालो, क्योंकि अगर मौसम चेंज होता है, आप बहुत ज़्यादा भारी दाना दे देते हो तो क्या होता है, हजम नहीं होता है, तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो आप पानी वगैरह देते हैं पीने के लिए, आप जो भी बाउल हो या टॉप हो या जिसमें भी आप पानी देते हैं उनको पीने के लिए, या बर्तन हो, बहुत लोग को देने का तरीका अलग अलग है, वो कोई वाटर ड्रिंकर में देता है, कोई बड़े टॉप में देता है, कोई बकेट में देता है, तो देने का तरीका तो सही है अपने हिसाब से। तो गलती क्या करते हैं हम लोग कि उसमें एक बीमारी होता है। तो देखिए बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी अगर हम जिसमें भी देते हैं, बॉकेट में देते हैं या बाउल में देते हैं, जिसमें भी पानी देते हैं, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, अगर जो पानी बचा हुआ पानी रहता है, अगर मैं आज पानी दिया था मेरे कबूतर को पीने के लिए, तो बहुत लोग सुबह भी खोलते हैं, उनका ब्रीडिंग वाला लॉफ है और कुछ कबूतर पट्टे वगैरह पाले हैं, तो क्या करते हैं, कुछ पानी चेंज नहीं करते हैं। अगर हमको कबूतर सुबह खोलना है तो वही बचा हुआ पानी लगा देते हैं कबूतर को। क्या होता है, अगर बाई चांस आपके कबूतर कुछ बीट किए हैं, अगर कुछ भी कबूतर आपका बीमार था लॉफ में, तो वही पानी में बीट कर देते हैं कबूतर, तो क्या होता है, आपके टोटल लॉफ बीमार हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, जो भी पानी आप देते हैं पानी के ऊपर कवर कीजिए, जैसे कबूतर का बीट वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पानी देते हैं, तो भाई आज मैंने मेरा कबूतर को 4 बजे खोलता हूँ, तो पानी दे दिया, कबूतर भाई पी लिया, उसको लॉफ्ट में मेरा कबूतर को सब
अपने अपने लॉक में मैंने भर्ती कर दिया। जो भी बचा हुआ पानी रहता है भाई उसको फेंक देना है, ना कि वो पानी को हमको स्टॉक करके रखना है, सुबह वही पानी को लगाना है। तो भाई ये गलती मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी मेडिसिन विटामिन लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में मेडिसिन वगैरह डाल देते हैं, तो आज मेडिसिन लगाए फिर कल भी वही पानी लगा देते हैं, तो देखिए वो पानी ख़राब हो जाता है। वो पानी में कबूतर अगर आप बीट वगैरह जो भी करते हैं तो वो पानी गंदा होता है। उसमें कारण क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर बारिश के मौसम में लॉट में एक भी इन्फेक्शन होता है, एक भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, एक भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर केस क्या होता है भाई, एक कबूतर से दूसरे कबूतर को आराम से फैल जाती है, तो आपके लॉक में ज़्यादातर बीमारी होने का चांस होता है, डिजीज़ होने की चांस होते हैं। तो आप ये गलती अगर नहीं करेंगे तो भाई आपके लॉक में क्यों बीमारी आएगी। मैं जितना भी पॉइंट आपके साथ शेयर किया हूँ, अगर कोई भाई सो कर रहा है तो अगर ये गलती नहीं करेगा तो भाई लॉक में 100% बीमारी नहीं आएगी। बाकी हमको कुछ लीवर टॉनिक देना चाहिए, कुछ एंटीबायोटिक देना चाहिए, कुछ विटामिन देना चाहिए, क्योंकि लॉक में जैसे बीमारी नहीं आएगा। तो हम लीवर टॉनिक क्यों देते हैं, उनका पोटा वगैरह और जो दाना रहता है वो हजम होगा। बारिश के मौसम में थोड़ा दाना हजम कम होता है, इसी वजह से हम लीवर टॉनिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि लॉक में कुछ वायरल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, कुछ भी बीमारी नहीं आएगा। और विटामिन देते हैं, सोके का बीमारी हो, जो भी हो, ये सब बीमारी नहीं आएगा। तो लॉक में बोलने के लिए कुछ भी बीमारी बारिश के मौसम में नहीं आएगा। तो जितना भी पॉइंट मैंने बताया, तो काइंडली आप वीडियो को अगर फास्ट से लास्ट तक पूरा देखेंगे आपको नॉलेज मिलेगा आपका क्या क्या गलती आप लोग कर रहे हैं, इसके कारण आपके लॉक में ये बीमारी हो रहा है, तो आपके लॉक में ये सब बीमारी नहीं आएगा। तो क्या, और तीन चीज़ आपको रेगुलर देना चाहिए, जैसे आपके कबूतर के अंदर ये सब बीमारी, कुछ भी बीमारी नहीं आएगा, जैसे कबूतर आपका फिट एंड फाइन रहेंगे। तो मेनली आपको जब बारिश का टाइम आता है, आपका लॉक को पूरा हमेशा कवर करके रखिए। बारिश का पानी जैसे लॉक में टोटल नहीं जाएगा, और जो भी दाना आप डालते हैं बारिश के मौसम में आपको गर्म दाना डालना चाहिए, जैसे बाजरा हुआ, सरसों हुआ, आप दूसरे दाने भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अगर मौसम तीन दिन चार दिन लगातार बारिश हुआ, मौसम पूरा ख़राब हो गया, तो आप उसको क्या होता है, कबूतर को इतना हजम नहीं होता है, हजम पावर उसका कम हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको लाइटली फूड देना चाहिए। आप रोटी भी खिला सकते हो, सरसों बाजरा दे सकते हो, पर दाना का क्वांटिटी कम करना चाहिए, जिससे कबूतर इजीली हजम कर लेगा। तो ये सब बीमारी जो होता है बारिश के मौसम में, आपको अगर ये बीमारी नहीं आएगा लॉक में, तो आपको तीन चीज़ यूज़ करना चाहिए, जैसे आपके लॉक में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो पहला चीज़ है नियोडॉक्स स्पॉट, ठीक है। ये जो नियोडॉक्स स्पॉट का पाउडर है, ये आपको वेटनरी में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आपको यूज़ करना है ब्रूटन, ठीक है। आपको पहले यूज करना है नियोडॉक्स स्पॉट, देन आपको यूज करना है ब्रूटन, और उसके साथ आप विटामिन भी यूज कर सकते हैं। विटामिन अगर आपको यूज करना है, भीमराल भी यूज कर सकते हैं, या ए टू जेड भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर मौसम आपका ख़राब हुआ, बारिश कंटिन्यू जारी है, तो कबूतर अगर थोड़ा सा सुस्त हो रहे हैं, कबूतर थोड़ा दाना पानी नहीं उठा रहे, तो उस वक्त अगर आपके कबूतर में कबूतर फिट एंड फाइन है, अगर आपको लग रहा है कि मौसम बहुत ख़राब है, कबूतर हमारा बीमार हो सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उस टाइम आप थ्री टू फोर डेज कंटिन्यू कीजिए। ये जो नियोडॉक्स स्पॉट है, इसके पाउडर, ये पाउडर फॉर्मेट में आता है नियोडॉक्स स्पॉट, और आपका ब्रूटन, ये है लीवर टॉनिक, और बाकी तीन है विटामिन। आप विमराल भी दे सकते हो, ए टू जेड मल्टी विटामिन भी दे सकते हो। तो ये तीनों चीज़ को आपको देना है आपके हर कबूतर को। तो ये अगर आप देंगे तो आपका कबूतर फिट एंड फाइन रहेंगे। जैसे हमारा नियोडॉक्स स्पॉट, ये आपके कबूतर को सर्दी वगैरह, जो हरी बीट मारते हैं, पानी वाला बीट मारते हैं, डायरिया वगैरह हो गया, कबूतर दाना नहीं उठाते हैं, आप एक कोनों में जाके बैठते हैं, ये सब बीमारी आपके लॉक में नहीं आएगा। ये प्रिकॉशन है, जैसे हमारा लॉक में ये बीमारी नहीं आएगा। तो हमको नियोडॉक्स स्पॉट देना है, और उसके साथ ब्रूटन देना है, और उसके साथ विटामिन हम विमराल दे सकते हैं, या ए टू जेड दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी कैसे देना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो विमराल का पूरा एक ढक्कन देना है, एक लीटर पानी में, एक लीटर या डेढ़ लीटर पानी में, आप डेढ़ लीटर पानी ले लीजिए, उसमें एक ढक्कन विमराल और एक ढक्कन ब्रूटन, और आपको नियोडॉक्स स्पॉट का 1 ग्राम, मतलब आपको इतना ही बराबर पाउडर आपको डालना है, ठीक है। उसके जो आप नियोडॉक्स स्पॉट लाएंगे, उसका पीछे कितना डोज में देना है, उसके पीछे क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई कितने कबूतर को, कितने बार्ड्स को हमको कितने क्वांटिटी में देना चाहिए, वो भी आप पीछे देख सकते हैं, वो मेंशन भी हुआ है, ठीक है। तो आपको डेढ़ लीटर पानी में, मिनिमम आप एक लीटर पानी लीजिए, उसमें आप एक ढक्कन ब्रूटन दे सकते हैं, और उसमें विमराल दे सकते हैं, उसके साथ आपको नियोडॉक्स स्पॉट, ये तीनों चीज़ आप मिक्स करके देंगे। मिनिमम एक लीटर से डेढ़ लीटर पानी कंटिन्यू करेंगे,
4 days, 4 दिन आप कंटिन्यू करेंगे। कि अगर कुछ भी डाउट रहता है मेरा नंबर में, मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो जब स्टार्टिंग होता है मेरा नंबर भी मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। कुछ डाउट रहता है मेरे को व्हाट्सअप में पर्सनली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि भाई डोज क्या है, मैं आपके बात समझ नहीं पाया, कैसे डोज देना है, डोज देने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बारीक से एक एक पॉइंट भी समझा दूंगा। तो भाई 3 चीज़ आपको देना है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोग वीडियो को स्किप करते हैं, फिर मेरे को पूछते हैं भाई डोज देने का तरीका क्या है, कैसे देंगे। तो हमको नियोडॉक्स स्पॉट देना है, पहला चीज़ नियोडॉक्स स्पॉट, सेकंड है ब्रूटॉन, थर्ड है बिमराल। ये तीनों चीज़ हमको 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके रेगुलर 4 दिन देना है, सिर्फ 4 दिन। रेगुलर जो भी हम मेडिसिन देते हैं सिर्फ 4 दिन देंगे, बाकी महीने में अगर 1 तारीख से शुरू होता है 1 से 4 दिन दीजिए, 1, 2, 3, 4 दिन दीजिए, फिर जब एंडिंग होता है तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ऐसे 4 दिन आप महीने में फास्ट में या लास्ट में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मौसम ख़राब होता है, बारिश वगैरह चालू होता है, तब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको जब मौसम ख़राब होता है तब आप ये दे सकते हैं, वरना आप बीच बीच में लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं, जैसे कबूतर का हजम वगैरह सही होगा, ठीक है। और विटामिन आप भीमराल A to Z जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके कबूतर सुस्त रहेंगे, ये सब ज़्यादातर बारिश के मौसम में, ये जो बीमारी मैंने आपके साथ जितना भी सिम्टम्स बताए ये आपके लॉक में कभी भी नहीं आएगा। तो कुछ भी डाउट रहता है मेरा नंबर में आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर 9853681820, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भाई आप लोग अगर कमेंट देंगे तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगा कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि मैं आगे आपके लिए अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार।